हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी सीएचएस क्लास 11 के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में जितने भी डिटेल्स हैं उन सभी डिटेल्स को कवर करेंगे। तो जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है यानी सीएचएस, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का ही एक पार्ट है। यहाँ क्लास 11 में 3 स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पर स्ट्रीम 4 हैं लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 3 होता है। फर्स्ट वन है आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए, सेकंड है बायोलॉजी के लिए और थर्ड वन है मैथ्स के लिए। ठीक है, तो इन सबसे जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा और उसी के साथ साथ मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी शेयर करता रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखिए, जो फॉर्म है वो आपको इस पोर्टल के माध्यम से bhuonline.in पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वो फॉर्म के डेट कब से कब तक है, यानी 1 मार्च से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और 31 मार्च तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई करेक्शन होगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो April 3 से लेके April 7 तक आप उसमें जाके करेक्शन भी कर सकते हैं साइट पे विजिट करके। आपके एडमिट कार्ड कब इशू किए जाएंगे तो आपको 5 मई यानी कि 5 मई 2021 से आपके एडमिट कार्ड जो होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रवेश पत्र जो होंगे वो आपको इशू कर दिए जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए के माइंड में। तो देखिए, जो क्लास 11 के आर्ट्स एंड कॉमर्स जो सेक्शन मैंने आपको बताया, स्ट्रीम बताया मैंने, उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 16 जून को सोमवार दिन को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ अगर मैथ्स के तो ये 18 जून को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा। अगर बायोलॉजी की मैं बात करूँ जीव विज्ञान वर्ग की तो ये परीक्षा कब होगी, 17 जून 2021 को ये परीक्षा होगी और सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगी। यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो होता है वो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं आगे चलता हूँ अगली साइड पे। देखिए, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रहे हैं कि फाइनल आंसर की जो है एग्ज़ाम की वो कब अपलोड की जाएगी, तो वो अपलोड की जाएगी आपको 30 जून को। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, तो 10 जुलाई को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आते हैं काउंसलिंग पे, या फिर एडमिशन जो है वो कब, यानी कि जो काउंसलिंग आपकी होती है वो कब होगा। ठीक है, तो क्लास 11 के लिए जो काउंसलिंग डेट है वो 24 जुलाई है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी। क्लास 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स बॉयज़ के लिए जो है वो जुलाई 27 तारीख को होगी आपकी काउंसलिंग। उसके बाद आर्ट्स जो गर्ल्स हैं उनके लिए 28 जुलाई को होगी। और साथ ही साथ क्लास 11 कॉमर्स की बात करी जाए गर्ल्स के लिए तो 27 जुलाई को काउंसलिंग होगी उनकी। और क्लास 11 में बायोलॉजी के लिए जो है वो 26 जुलाई को जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की जो है काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग शेड्यूल जो है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, काउंसलिंग वेन्यू क्या होगी ये सभी बात की चीज़ें हैं, बट जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको ये चीज़ें शेयर कर दी हैं। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबको जानने के लिए। तो जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 300 रुपीज़ है, जो OBC एंड जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाता है सभी के माइंड में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यानी जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। तो क्लास 11 में सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आता है कि आपको जो है इस साल यानी कि 2021 में 30 सितंबर तक आपका उम्र जो है वो 18 वर्ष अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 2003 से जो है वो पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। पहले ये जो एज एलिजिबिलिटी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात करते हैं कि जो बच्चा है यानी जो एस्पिरेंट है वो क्लास 10th पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा यूनिवर्सिटी की बात की क्या की जा रही है, तो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्कूल बोर्ड भी है, तो उस तरीके की बात की जा रही है। अब देखिए, 60% मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस स्ट्रीम के लिए, जिसमें मैथ्स एंड बायो दोनों इंक्लूडेड है। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 50% मार्क्स एंड अबव जो है वो साइंस एंड मैथ्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यानी कि टोटल आपके 60% प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए, और पर्टिकुलर मैथ्स एंड साइंस में आपके 50% से प्लस मार्क्स होने चाहिए 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। सेकेंड पॉइंट आता है कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए यहाँ पे ये है कि 55% से प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए 10th में, यानी अगर 55% मार्क्स है आपका तब भी आप कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और जब बात आती है आर्ट्स स्ट्रीम की, तो यहाँ पे अगर आप क्लास 10th पास्ड हैं यानी कि 33% या उससे अधिक है आपका, तब जो है आप उसके लिए क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर देखते हैं।
यहाँ पे आपको सीट्स दिख रही होंगी स्क्रीन पे कि क्लास इलेवंथ में जो CHS गर्ल्स है और CHS बॉयज़ स्कूल है, दोनों स्कूल में कितनी कितनी सीटें हैं, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए CHS जो यहाँ पे मैंने CHBS लिखा है, इसका मतलब है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, और CHGS का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल है उसमें कॉमर्स स्ट्रीम में यहाँ पे 12 सीट्स हैं, उसी के साथ साथ आर्ट्स स्ट्रीम में 13 सीट्स हैं, और बायोलॉजी के लिए जो है वो 25 सीट्स हैं, और मैथ्स के लिए 38 जो नॉर्मल सीट्स हैं, और 50 सीट्स जो हैं वो स्पेशल सीट्स रिजर्व करी गई हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। और देखिए जो एडमिशन होता है वो जितनी सीट मेंशन की गई हैं इससे अधिक सीटों पर ही एडमिशन होता है। ये जो है ये मिनिमम सीट्स हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ये मिनिमम अवेलेबल सीट जो है ये इतनी है, लेकिन एडमिशन जो होता है वो इससे प्लस होता है, यानी इससे ज़्यादा सीटों पर एडमिशन होता है, क्योंकि जो CHS के स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली कुछ जो क्विट करते हैं तो कुछ जो स्ट्रीम्स में होता है एडमिशन जो है एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैं अपने एक्सपीरियंस पर बता रहा हूँ आप सबको कि इससे अधिक सीटों पर एडमिशन आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं CHS गर्ल्स में क्या स्थिति है, तो CHS गर्ल्स में 11th के लिए आर्ट्स स्ट्रीम में 50 सीट्स है, कॉमर्स के लिए 25 सीट्स है, और जो बायोलॉजी है जीव विज्ञान वर्ग में 16 सीट है, और यहाँ मैथ्स के लिए 17 सीट है। यहाँ भी स्थिति वही है कि जो ये मिनिमम सीट्स दी गई हैं जो एडमिशन होता है वो इससे अधिक सीटों पर ही होता है। तो ये मैं कोई कन्फर्मिटी आपको नहीं दे रहा हूँ, बट नॉर्मली जो होता है जो पैटर्न चला आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। देखिए जो क्लास इलेवंथ का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 2 आवर्स का होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का होगा और उसमें 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए जो मैथ्स ग्रुप है उसके लिए क्या सिलेबस है मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज़। देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश से है वो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 10 क्वेश्चंस ही आपको हिंदी से पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पे फिजिक्स से 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री से, और 25 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से। ये टोटल आपके कितना हो गया 95, और 5 क्वेश्चंस आपको कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ये पूछ लिया जाता है आपसे जनरल स्टडीज़ से, यानी जीके एंड जीएस से पूछ लिया जाता है, फिर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं बायो में, तो बायो में भी यही पूरा पैटर्न चला आता है, आपको इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद फिर आपको हिंदी से भी 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन तीनों से 25 क्वेश्चंस ईच, ये कितना हो गया 75, और ये जनरल स्टडीज़ से 5 क्वेश्चंस, तो ये कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन हो गया आपका 100 क्वेश्चंस ये आपका हो गया। अब आते हैं हम आर्ट्स एंड कॉमर्स में, कि आर्ट्स एंड कॉमर्स में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर भी 100 MCQs होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे भी 2 आवर्स का ही समय मिलता है आपको, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे सिलेबस में हम देखते हैं इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिंदी से भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जनरल स्टडीज़, इन सबको मिला के 65 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल मैथ्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, ये 5 क्वेश्चन होते हैं, अप टू 10th लेवल के होते हैं ये। देखिए मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो सिलेबस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जनरल स्टडीज़ को मिला करके 65 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, और 5 क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे जाते हैं, वो जनरल स्टडीज़ से पूछे जाते हैं। तो ये था पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अब ये मुझे उम्मीद है आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब काउंसलिंग में क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी मैं जाते जाते बता देता हूँ आप सबको। देखिए आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, प्रीवियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम TC भी कई बार बोलते हैं, और अलग अलग उसके नेम्स हैं। उसी के साथ साथ अगर आप किसी कोई कैटेगरी क्लेम करते हैं तो OBC, SC या ST, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ बात करते हैं ये जो आपका सेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, यानी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट कहने पर मेरा मतलब क्या है कि जो आपके CHS क्लास 11 के लिए आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो ये थी पूरी डिटेल, पूरी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी थी क्या सारी जानकारी मैंने आप तक शेयर कर दी है। इसी के साथ साथ अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे CHS क्लास 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्रीमियम कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर भी क्लिक कर सकते हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट करके आप
जानकारी प्राप्त करके हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, अदरवाइज मैं वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगा। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।